अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम फैसल मस्जिद की तरफ रवान दवा हैं। आपको भी समझ आ गई होगी कि इस्लामाबाद में ये बुर्ज कौन सी मस्जिद के हैं। तो ये फैसल मस्जिद है, बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत मशहूर मस्जिद है, बहुत अच्छी जगह है। तो आज रोज़ा अफ्तारी करने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। 24 साल हो गए हैं मुझे इस्लामाबाद में रहते हुए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी खुले मैदान में जाके हमने अफ्तारी की हो। हमेशा जो अफ्तारियाँ की हैं वो रेस्टोरेंट में की हैं, होटल्स में की हैं, लोगों के घरों में की हैं, लेकिन ऐसे ओपन जगह पे किसी भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि हमने आवाम के साथ, आम लोगों के साथ बैठ के, हर तबके का बंदा यहाँ आया हुआ है और ताहदे निगाह तक लोग ही लोग हैं। हम भी यहाँ अपना दस्तरखान बिछा चुके हैं, सेटिंग कर रहे हैं और बस अब रोज़ा अफ्तारी करेंगे। लोग अभी भी आ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, साथ साथ जगह अपनी चटाइयाँ बिछा रहे हैं, किसी के पास चटाइयाँ हैं, किसी के पास और दस्तरखान है और अपनी अपनी अफ्तारियाँ घर से लेकर आए हुए हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ और मैं आप लोगों को आगे बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, बहुत मज़ा आएगा। तो जुड़े रहें, देखें फिर। हम तो दस्तरखान बिछा चुके हैं, अब बस यहाँ बैठ गए हैं, अफ्तारी का इंतज़ार कर रहे हैं। नज़दीक ही बिल्कुल हम तो बैठ गए हैं, जैसे ही पार्किंग थी उसके साथ ही बैठ गए हैं, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं और लगता है कि बहुत ज़्यादा रश है। तो ये देखें, साथ ही जो है ज़ियाउल हक साहब का मज़ार है, जनरल ज़ियाउल हक का, जो कि भावलपुर जाते हुए एक तैयारे में शहीद हो गए थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं, आप जानते हैं सारे। तो मैंने कहा चलें यहाँ दुआ कर लेते हैं और बस वहाँ फातिहा खानी की, और साथ ही हम बैठे हुए हैं कि अब इफ्तारी तक बैठते हैं। तो ये ज़ियाउल हक साहब का मज़ार भी जो है ये फैसल मॉस्क के अहाते के अंदर है। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ दुआ भी कर रहे हैं। और फैसल मस्जिद जो है बहुत प्यारा व्यू है इसका, बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह की हुई है और लोग बैठे हुए हैं, ताहदे निगाह तक गाड़ियाँ हैं, लोग ही लोग हैं। और मुझे ऐसी अफ्तारी का मैंने नहीं सोचा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। फिर देखते हैं। रोज़ा अफ्तार हो चुका है, रश बहुत ज़्यादा है, हमने रोज़ा अफ्तार किया, बहुत मज़ा आया, लोगों से मिले, बातचीत की। ये मेहंदी लगाने वाली ख्वातीन भी बैठी हुई हैं, मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं हर तरह के। और ये वो जगह है जहाँ जूते रखे जाते हैं, लोग ऊपर जाते हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना ज़्यादा रश है। तो बस इसके साथ ही अब हमारी वापसी भी है, हम ऊपर तो शायद ना जा पाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। तो बस मुझे इजाज़त दें, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।